नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। आज हमारे साथ है रवि जी, पत्रकार भी है। इनकी नई शादियां हुई है और उस शादी को लेके थोड़ा सा प्रेशर में है। और साझा किए तो हम सोचे हैं कि ये चीज सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं या हमारे ही साथ नहीं, जितने भी लोग की शादियां होती है लगभग लगभग लोगों के साथ होती है। तो इस पर हम बात करते हैं। हमारे चैनल में रवि जी, आपका स्वागत। धन्यवाद आपका। शादी होने के बाद अक्सर मैं देखा करता हूँ कि लड़की जब शादी होकर के ससुराल आती है, उसको ज्यादातर अपने मायके का फिक्र रहता है। उसकी मायके फोन कर करके फोन बराबर तंग तबाह करने की काम किया करती है। बराबर लड़के से पूछा करती है, क्या खाना खाई, अच्छे से मेरी बेटी रह रही है कि नहीं रह रही है। अपनी बेटी से भी पूछती रहती है। इस प्रकार की समस्या आती है। इस प्रकार की समस्या आपको समस्या क्यों लग रही है? समस्या इसलिए लग रहा है कि भर दिन में अक्सर लोग को देखते हैं लगी रहती है, लगी रहती है, फोन पे ही लगी रहती है। ये समस्या उत्पन्न करती है क्योंकि ज्यादा बात करने से मानसिक संतुलन आदमी का खो जाता है। कोई आदमी कुछ अगर बोले, उस बातों को टॉर्चर महसूस होता है ना, जैसे कुछ गलत बोला गया। भर दिन बात करने से कुछ गलत बोला जाए या कुछ अजीब सा बातें होती, इस प्रकार रवि की जी, यह स्थिति आपने है। अभी कहा कि जो बार बार पत्नी या बाप अपने मायके से बात करती है तो टॉर्चर होती है, मतलब हमको टॉर्चर होता है या हमको बोला जाता है। कुछ अगर बुलाया जाए कुछ गलत, तो हर्ट फील होता है ना सुन करके कि आपकी मम्मी क्यों ऐसा बोल रही है, आपकी पापा क्यों ऐसा बोल रही है, आपकी दादी क्यों ऐसा बोल रही है। इस प्रकार की समस्या तो आती रहती है आपके बराबर। कहने का मतलब यही है कि शादी के बाद लड़की अपने मायके से बात ना करे। हाँ, यही मेरा कहना है। अगर उसको अच्छे तरह से जीवन व्यतीत करना है, अच्छे खुशी से रहना है अपने हस्बैंड के साथ, अच्छा रवि जी, अगर मेरा एक आपसे सवाल है। अगर आप लड़की होते और आपको सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता किसी और के साथ, जिसको आप कभी न देखे हो न ही जानते हो, अजनबी के साथ, तो क्या उस जगह पे आप अपने घर वालों से बात नहीं करते? करते सिस्टम के हिसाब से करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं अगर अक्सर लोग को देखते हैं कि बाहर घूमने जाता है, वहां भी तो नए रहती है, अक्सर नए नए चीजों को देखने को मिलता है, तो वहां क्यों, वहां से क्यों नहीं फोन किया जाता है अपने मायके, ए हम तो फलना जगह आए हैं। अरे भाई, आप फोन करो, सिस्टम से करो, भर दिन में एक टाइम बात करो, दो टाइम बात करो। ये नहीं, जरूरी नहीं कि पूरा लगे रहो फोन पे, आपकी लगे पत्नी रहो। कितना देर लगी रहती है? अरे उसका छोड़िए, वो तो दो टाइम लगी रहती है, दो तीन टाइम, ये टाइम नहीं लगती दो है, तीन टाइम लगी रहती है वो। ऐसा नहीं है, वो तो फिर बात भी आपको करती चुभता है। है? ऐसा क्यों नहीं चुभेगा ही कुछ नहीं हो, जब कोई भी लड़कियां शादी करके ससुराल जाती है तो उसके माँ को भी ये लगता है कि मेरी बेटी पहली बार हमसे दूर हो रही है। सही बात ठीक है। है, सही बात है। अच्छा एक चीज और है, जब हम लड़कियां शादी नहीं होती है, कुमारी रहती है, तो माँ बाप चचेरे भाई के साथ भी कहीं नहीं जाने देता है, राइट? ऐसा अक्सर राइट है ना? सभी के साथ में नहीं होता है। 100 में से 99% के साथ होता हाँ, है, 99 के पास साथ होता है। लेकिन जब शादी होती है एक अजनबी के साथ शादी करके माँ बाप अकेले भेज देता है। ठीक है, अपने बच्चों की खबर जानने के लिए उसको भी मन में रहता है कि मेरी बेटी पता नहीं खाई होगी, अजनबी जगह पे नहीं वो खाई ठीक होगी, है, खबर अजनबी लोग है, क्या है, कैसे है, तो फिर आप इसमें बाधा क्यों डाल रहे हैं? खबर पूछने के लिए कोई बात नहीं है। आप हाल समाचार पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटली टॉर्चर का मतलब है, मेरा कहना यह है, मेरा मैसेज ये मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ सभी के बीच में कि कम से कम वो जो पूछ रही है उसी बात पे कथन करे। ये हो गया, वो हो गया, इधर से उधर हो गया, ये कैसे हो रहा है तुम्हारे साथ, ये कैसे हो रहा है। यार तुम हाल समाचार पूछो, वो अच्छी यानी है आप बस हो उसकी गया। बेटी के साथ कुछ भी कीजिए, उसको पूछने का अधिकार नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ अगर आप करे उसके दामाद इसलिए है, आप दामाद है, आपको समझाने का अधिकार नहीं है कि हाँ मेरी बेटी को थोड़ा अच्छे से रखिए, मेरी बेटी नहीं है, नए जगह पे नहीं, गई है, तो मुझे टॉर्चर समझाए होता ना, है। मुझे समझाए, मुझे अच्छा लगेगा ना। वो बेटी से बात करके, बेटियों को समझा करके वहां पे अगर हम बैठे हैं या कोई भी किसी भी आदमी के, मैं अगर वो अच्छा बैठा कर ले मेरे तो मुझे समझ में आ गया, आपको तकलीफ इसी बात का है कि आपके ससुराल वाले आप अपनी बेटी से तो बात कर लेते पर आपको पूछते नहीं है, नहीं, इस यानी समय आपको निगलेक्ट कर देते हैं। मेरे से बात ना कर करके अपनी बेटी से ही लगती है सारा बात करने। और जब भाई दीदी अगर मैं बगल में बैठा अच्छा हूँ, एक चीज और है, आपके ससुराल वाले आपको कितने दिन से जानते हैं? करीब करीब 10 महीना से, शादी 10 महीने। शादी कब हुआ? मेरा नवंबर में हुआ था, कितना दिन हो गया? 2 महीना का लगभग, दो साढ़े दो अच्छे से महीना कब से जानते हैं? अच्छे से तो 1 साल से जानते हैं करीब करीब। शादी का तो मेरा जिस बात तरह वो अच्छे अपने से बेटी को जानते हैं उस तरह से कितने दिन से जानते हैं? 5 महीना लगभग, 5 महीने। 5 महीना नहीं, 6 महीना मानिए।
ठीक है, जब से एंगेजमेंट हुआ था। उनकी बेटी का उम्र क्या होगा? 18 साल। 18। जो आदमी 18 साल से अपनी बेटी को देख रहा है, 5 महीना से आपको देख रहा है, तो वो अपनी बेटी को ज्यादा समझेगा कि आपको समझेगा? बेटी को ज्यादा समझेगा, ठीक है, बेटी को ही समझे। हमको अच्छा लगता है कि बेटी को थोड़ा समझे, उसके साथ सबका फीलिंग होता है ना भाई, कि आप अपने बेटी से बात करें तो अपनी बेटी का ही बात करें। आपकी बेटी ठीक है, खुश है, हो गया, उसके अलावा कौन क्या किया ये सब ठीक नहीं होता। अच्छा, क्या क्या और तकलीफें हैं आपकी? बस जो बोले और कुछ है? और कुछ नहीं है। मतलब पब्लिक को और कुछ बताना चाहते हैं? पब्लिक को तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई शादी करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा ही। आपको पहले पता नहीं था? पहले हमको नहीं पता था ना, बाद में पता चला, शादी के बाद पता चला कि शादी करने के बाद पछताना पड़ता है। आगे क्या इरादा है तो? आगे क्या इरादा है? डिवोर्स देने का इरादा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेफुजील बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक को भड़का रहे हैं, जो शादी भी करना चाहता होगा उसको भी नहीं करना। भड़का नहीं रहे, पब्लिक को कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा घटित हो रहा है, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए थोड़ा सोच समझ के चले। तो पब्लिक भी तो कहेगा कि अपना हो गया इसलिए हमको भड़का रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सबका होता है, शादी तो सबका होना है। आज मेरे साथ घटित हो रहा है, कल उसके साथ भी। लेकिन वास्तव में बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिसके ससुराल में टॉर्चर होता है, रियल में होता है। ससुराल वाले माँ बाप का दिल जो दहलता है। छोटी सी बात है, दुनिया इतनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है। इस बड़ी दुनिया में छोटी छोटी अनहोनी या बड़ी बड़ी अनहोनी होना ही तय ही है, ऐसा होता ही है अक्सर, क्योंकि इस मानसिकता के लोग हमारे यहाँ है, करता होगा ऐसा। तो जब करते हैं तो इसीलिए तो माँ बाप डरते हैं। 100 में से 80% लोग ऐसा नहीं करता है, 20% ही लोग ऐसा है जो गलत कदम लड़कियों के साथ उठाता है। तो वही जो 20% में से 100% वाले माँ बाप को डर लगता है ना, क्योंकि वो अभी आपको जानते नहीं होता है अक्सर ऐसा, इसीलिए वो अपने बेटी से ज्यादा बात करते हैं, दामाद को थोड़ा कम जानते हैं, जब बात करते हैं तो समझाते अधिक है। समझाते अधिक, ऐसा ना हो कि इरिटेशन वाली बातें करें, इरिटेशन वाली बातें से हर किसी को हर्ट फील होता है। सीक्रेट बात बता सकते हैं? क्या क्या बात होती है? ऐसा क्यों नहीं बता सकते? नो क्वेश्चन, नो जवाब। अच्छा, कौन सी बात खटक रही है जो आपकी सासू माँ आपकी पत्नी से बात करती है? ऐसी कोई बातें नहीं है, मैंने बताया कि ज्यादा बात ना करें, ज्यादा बात ना करें, ज्यादा बात करने से आदमी को होता कुछ नहीं है, लड़ाई के अलावा। तो मेरे ख्याल से लड़कियों के पास फोन होना ही नहीं चाहिए क्या शादी के बाद? नहीं, ऐसा कोई नो इशू है, क्योंकि लड़कियों के पास अगर मोबाइल फोन ना रहे, कभी उसके साथ घर में अगर उसका हस्बैंड नहीं है, कभी कुछ हो जो उसके साथ, तो उसका जवाबदेही कौन लेगा? कम से कम उसके पास फोन तो रहेगा ना, या तो मुझे फोन करे या तो अपने मायके फोन कर सकती है ना। तो जब आप जानते हैं तो फिर काम नहीं हो तो या तो वो आपसे बात करेगी, या फ्री नहीं है तो मायके बात करेगी, दूसरा तो उसका कोई है नहीं। ठीक है भाई दीवे, मैंने तो बताया ना आपको कि कुछ समस्या हो तो करे, कुछ समस्या है ही नहीं, उसी बात को दोहराने से थोड़ा अलग टाइप का फील होता है, इससे विवाद बढ़ता है। 2 महीने में आपको इतना खटक गया? भाई मैं अपनी बातें नहीं बता रहा हूँ, सभी को बात में अलग से मैसेज में देना चाह रहा हूँ सबको। और क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि शादी करे तो पछताना ही पड़ेगा बाद में, मैं बार बार बोलूंगा। और दूसरा उपाय नहीं है? और दूसरा उपाय क्या बता सकते हैं? कहता है शादी करो तो पछताओ, नहीं करो तो पछताओ, कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा और पछताना ही पड़ेगा। हाँ जी हाँ। तो यहाँ रवि जी लोगों के प्रति कह रहे हैं, महिलाएं जिन लड़कियों की शादी होती है वो दिन भर अपने मायके में लगी रहती है, माँ हो, बहन हो, पिता हो, तो इस पर कह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं इतना बात करती है वो ना करे, एक बार बात करे। और लड़की के माँ बाप को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि आप बात करें, सिर्फ हाल चाल पूछे, भड़काऊ बातें ना करें। बहुत तो ऐसा परिवार टूटता है जो भड़काऊ की तरह वजह से टूटता है, भड़काऊ बातें नहीं कि, क्योंकि जब बेटियों को लोग सिखाता है अरे तुम ये काम मत करो, वो काम मत करो, तू ही गई है जो करेगी, तो ये सब चीजें इनका इनसे पहले चीजें शेयर किए थे, कैमरा के सामने बात नहीं किया। तो यही चीज कह रहा है कि बहुत ऐसे माँ बाप होते हैं जो ससुराल बेटी के ससुराल जाते ही बोलते हैं अरे सारा काम तुम ही करोगी, तुम मत करो, और वो बाकी लोग कहाँ हैं, नहीं भी करे फिर भी करे, फिर भी सास ननद कुछ बोले नहीं, नहीं बोले। हम बेटियों के माँ तो गालियां देती है, डांटती है, बहुत कुछ, लेकिन सास अगर दे दी तो क्या हो गया?
इस सारी चीजों को इंसान को परखना चाहिए, जैसे अपनी माँ है वैसे सास भी अपनी माँ ही होती है, और उन सास को भी समझना चाहिए कि मेरी अपनी बेटी जैसी है वैसे मेरी बहू भी है। अगर दोनों एक दूसरे को माँ बेटी समझ ले तो कभी समस्या पैदा होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो हम उन माँ को कहेंगे कि जो भी माँ है अपने बेटों की शादी करते हैं, बेटियों की शादी करते हैं, अपने दामाद को भी बेटा माने, अपनी बहू को भी बेटी माने, और हर लड़की अपने सास को अगर माँ मानने लगे तो ही बेटा मान ले अगर ना, तो वही सबसे बड़ी बात हो जाएगी। सास बहू को बेटी नहीं मान सकती है? सास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सास जो किसी का शादी हुआ वो अपने घर में आई, अपने दामाद को बेटे के नजर से अगर देखने लगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, अगर बहू को लोग बेटी की नजर से देखे तो अच्छा रहेगा और बढ़िया है। कितना परसेंट फैमिली में देखती है? 80% लोग देखता ही है, 20% लोग जिसे आप बताए हैं कि यहाँ घटना हुई वहाँ घटना हुई तो सब अगर बेटी नहीं देखते हैं। रवि जी, मैं एक चीज बता रही हूँ, अभी भी हम कह रहे हैं, अभी 80% बोले हैं ना, मेरे ख्याल से 5% लोग ऐसे होंगे धरती पर, धरती की बात करें, हम भारत या बिहार सीतामढ़ी की नहीं, 5% ऐसे लोग होंगे जो अपनी बहू को बेटी मानते हैं, बाकी बात सब बहू मानते हैं। होंगे आपके कहने अनुसार, आप ही के घर में है, आपकी बहन से गलती हो जाए, हो सकता है एक बार आपकी माँ नहीं कहे लेकिन आपकी पत्नी से गलती हो जाए तो कुछ ऐसे शब्द बोल देती है जो बहुओं को खटक जाता है। अगर जिस तरह बेटी के साथ वो अगर बिहेव करती है वैसे बहू के साथ बोले ना, ऐसा, तो ऐसा बहुत कम परिवारों में नहीं मतलब की होता है, मतलब बहुत थोड़ा ऐसा परिवार होगा जिसके घर में ऐसा होता होगा, मेरे हिसाब से, मेरा जो नॉलेज कहता है। आपकी पत्नी ठीक है? यस। आप ठीक हैं? यस। आप लोग का मेल मिलाप ठीक है? यस, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? नो प्रॉब्लम। बाकी बात आप लोगों के साथ जो समस्या हो रही है उसी पर आप अपना सवाल रखे हैं? उसी पर सवाल रखे हैं, जिस प्रकार की घटना आप लोग आपने बताया मुझे उसी पर मेरा कथन हुआ है कि नहीं इस प्रकार की, मतलब आगे अगर कदम उठाए माँ बाप, जिसका भी माँ बाप हो जो भी हो, अपने बेटी के प्रति इस प्रकार की भावना रखे तो घटनाएं थोड़ा कम, यही मेरा संदेश है। सिर्फ माँ अपनी बेटी के साथ, सास अपनी बहू के साथ अब एक बार भी नहीं बोले हैं? नहीं, सासू माँ के लिए भी संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी लड़की, किसी की भी लड़की अगर शादी करके अपने बेटे से करके लाती है अपने घर में तो वो भी जैसे अपने बेटी के ख्याल रखती है वैसे अपने बहू का भी ख्याल रखे। आजकल रवि जी जो सीरियल जो चलता है उसमें बहुओं के साथ जो भी किया जाता है आजकल की सासू माँ वैसा ही चाहती तो है, अब बहू भी वैसा ही चाहती है। सीरियल की बात करते हैं वो तो 100% घटना झूठा बनाता है, हम तो सीरियल देखने वाले लोगों को कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सीरियल देखना बंद कर दे। घटना नहीं दिखाता वो, मनोरंजन दिखाता है। वही मनोरंजन क्या दिखाता है, वही कि तुम्हारी सास ऐसे मार रही है, तुम्हारी बहू कैसे दशा कर रही है, यही आखिर वो होता है या नहीं होता है, यही सब लोग सीखता है। उसे सीरियल देखना ही नहीं चाहिए, फालतू का सीरियल है सब। सीरियल देखिए, पहले के जमाने में क्या 2012-11 में जो सीरियल आया था, अफसर बिटिया, हिटलर दीदी, ये सब सीरियल देखिए, ये सब सीरियल से एकदम मन प्रसन्न होता है देख करके कि क्या सीरियल है। आपने अफसर बेटिया की बात कही, अफसर बेटिया जो थी, बेटी जो अफसर थी, क्या उसके साथ बुरा नहीं हुआ? उसके साथ भी बुरा हुआ लेकिन वो अफसर थी। ठीक है, तो क्या सारी बेटी अफसर ही होगी? अफसर नहीं होगी लेकिन उस जिस हिसाब से वो थी, वो सीरियल में जो दिखाया गया है उसी हिसाब से अब नहीं दिखाता है। अब ठीक है, आप हिटलर दीदी की बात बोले हैं, हिटलर दीदी क्या अपनी ही माँ, अपनी ही बहन, अपनी भाभी, अपने भाई सब उसे टॉर्चर करते थे? टॉर्चर अगर वो हिटलर नहीं रहती, अकेला वो नाम क्यों पड़ा सीरियल का, हिटलर दीदी? तो मैंने तो यही बात ना कहा कि वो सीरियल सब देखिए, वो सीरियल सब वो भी तो लोग कहता है सीख मिलता है कि बदतमीज बेटी हो। अभी का जो सीरियल है, अभी का जो सीरियल चल रहा है भाई दीवे, जो पड़ाव पे चल रहा है, वो सब सीरियल पूरा पूरी पूरी भड़काऊ, उस सबसे कोई सीख मिलने वाला नहीं। हिटलर दीदी की बात बोले हैं तो उसमें भी तो लोग कहता है कि बेटी निकाल गई, सब कहने की बातें हैं लेकिन उन्होंने जो दर्शा करके दिखाया है उस सीरियल में, बहुत बड़ी प्रेरणादायक सीरियल। कितना भी टॉर्चर हो अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। यस, मैं सभी को यही संदेश दे रहा हूँ, जो भी हो अपने पैर पर खड़ा हो, दुनिया क्या करेगा, दुनिया क्या है, आप अपने पैर पर है तो दुनिया क्या कर लेगा, किसी का जरूरत पड़ेगा अपने पैर पर रहिएगा तो,
अपने पैर पे हो जाइए, आज हो जाइए, हम कहते 10 गो लोग आपको पूछने वाला हो जाएगा, ये नहीं कि आप लोग को जाइएगा पूछने। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताए? मेरे लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए क्या कहना चाहिए? आप तो संघर्ष कर ही रहे हैं, आप तो संघर्ष कर ही रहे हैं, पूरे सीतामढ़ी के लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आप तो संघर्ष करते ही आ रहे हैं करीब करीब 3 साल से, मैं आपको जानता हूँ 3 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, वो तो मेरे नजर के सामने, आगे भी संघर्ष आपका जारी रहेगा, तो जैसे अभी आपका कामयाबी मिलता आ रहा है उसी मिलेगा आगे भी आपको। ठीक है, तो अभी हमारे साथ थे रवि जी, और रवि जी काफी सारी बातें बोले, कुछ अपनी जिंदगी से भी रिलेटेड बोले हैं, कुछ बाहरी जिंदगी से भी जो लोगों के साथ होते आता है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिसके साथ घटना दुर्घटना होते रहता है, उसको लेकर हमारी बातें हुई है। इस पर आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे AM News चैनल को लाइक सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करें।